नमस्कार, मैं हूं शिवानी चौबे। क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज है 29 अप्रैल दिन शुक्रवार। चलिए बढ़ते हैं आईपीएल से जुड़ी 15 बड़ी खबरों के साथ। कोलकाता नाइट राइडर्स पर भारी पड़ी दिल्ली, 6 गेंद शेष रहते जीत लिया मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2022 का 41वां मुकाबला खेला गया है। दिल्ली ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हरा कर इस सीजन अपनी चौथी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 6 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। दिल्ली की 7 मैचों में यह तीसरी जीत है, जबकि कोलकाता को 8 मैचों में लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। पॉवेल ने 16 गेंद में 33 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। कोलकाता की ओर से उमेश ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। आज होगा आईपीएल का 42वां मुकाबला। पंजाब किंग्स का सामना आईपीएल 2022 के 42वें मैच में शुक्रवार 29 अप्रैल यानी आज पुणे के एमसीए स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। दोनों टीमें अपने आखिरी मैच में जीत की राह पर लौट आई हैं और इसी लय को जारी रखने की कोशिश करेंगी। जहां पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स पर इस सीजन दूसरी बार जीत हासिल किया, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी इस सीजन में दूसरी बार मुंबई इंडियंस को हराया। पंजाब किंग्स हालांकि इस सीजन में काफी असंगत रहा है। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पहले सीजन में सभी को प्रभावित किया है और वर्तमान में अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। राजस्थान दिल्ली मैच की घटना के बाद महेला जयवर्धने ने किया बदलाव की मांग। मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने का मानना है कि मैच के दौरान अगर मैदानी अंपायर कमर से ऊंची नो बॉल पर गलत फैसला देते हैं तो थर्ड अंपायर को इसमें दखल देना चाहिए। जयवर्धने का मानना है कि आईसीसी क्रिकेट समिति को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर मैदानी अंपायर को अलर्ट करने के लिए थर्ड अंपायर दखलंदाजी करे या नहीं। उन्होंने कहा, शायद अंपायरों ने भी गलत ही समझा, मगर नियम कहते हैं कि आप इन चीजों की जांच के लिए तीसरे अंपायर के पास नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि यह ऐसी चीज है जिसके बारे में बातचीत करनी होगी कि क्या इसमें तीसरे अंपायर की भूमिका होनी चाहिए कि वे मुख्य अंपायर को बताएं कि इस गेंद को आपको चेक करना चाहिए। आपको बता दें कि आईसीसी के मौजूदा नियमों के मुताबिक तीसरा अंपायर सभी फ्रंट फुट नो बॉल पर नजर रखता है। केकेआर के खिलाफ मैदान में दिल्ली की टीम दिखी नई जर्सी में। आईपीएल का 41वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुंबई के खूबसूरत वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले दिल्ली की टीम ने एक बार फिर से अपनी नई जर्सी लॉन्च की और मैदान में नई जर्सी में दिखी। जी हाँ, मालूम होगी आईपीएल 15 सीजन शुरू होने से पहले सभी फ्रेंचाइजी टीमों की तरह दिल्ली ने भी अपनी नई जर्सी लॉन्च की थी और दिल्ली की टीम अपने पिछले मुकाबले में यानी राजस्थान के साथ खेले गए मुकाबले में अपनी वही जर्सी में देखी गई थी। लेकिन बीते दिन खेले गए मुकाबले में दिल्ली की टीम अपने नई जर्सी में देखी गई। आरपीसी ने कहा, उमरान मलिक को T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने उमरान मलिक को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रिकबज पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, उमरान मलिक निश्चित तौर पर एक बेहतरीन टैलेंट है, उन्हें टीम के साथ रखा जाना चाहिए क्योंकि तब आप उन्हें ग्रूम कर सकते हैं और अपने बेंच स्ट्रेंथ को भी मजबूत कर सकते हैं। आपको पता नहीं कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए, लेकिन उन्हें तुरंत प्लेइंग 11 में शामिल करने के पक्ष में मैं नहीं हूं क्योंकि उन्होंने अभी तक ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है और आईपीएल में भी अभी उन्होंने परफॉर्म करना शुरू ही किया है। उनका इकोनॉमी रेट अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 मैचों में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है, वो अभी सुधार कर रहे हैं। अगर उन्हें टीम के साथ रखा जाए और नेट्स में वो वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों को गेंदबाजी करें तो फिर काफी कुछ सीख सकते हैं। अभी उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाना काफी जल्दबाजी होगी। पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि वेंकटेश अय्यर क्यों बल्लेबाजी में फ्लॉप हो रहे हैं। आईपीएल 2022 में वेंकटेश अय्यर के खराब परफॉर्मेंस को लेकर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आकाश चोपड़ा ने कहा कि आईपीएल 2021 से ही वेंकटेश अय्यर ने अलग अलग पोजीशन पर बल्लेबाजी की है, इसी वजह से वो अब कन्फ्यूज हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि टीमों के पास डाटा होता है और वो पूरी तरह से एनालिसिस करके आती है। हर प्लेयर को लेकर उनकी एक स्ट्रेटजी होती है और वेंकटेश अय्यर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं तो को लेकर भी जरूर रणनीति बनती होगी। हालांकि वेंकटेश अय्यर ने पिछले आईपीएल सीजन से लेकर अभी तक कई पोजीशन पर बल्लेबाजी की है, उन्हें बैटिंग ऑर्डर में कई बार ऊपर नीचे किया गया है। केकेआर के उनके ऊपर से काफी जल्द भरोसा खो दिया, वो कंफ्यूज हो गए हैं कि वो ओपनर हैं या फिर फिनिशर हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद की हार के बाद युवराज सिंह ने कहा, एक गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकता। हैदराबाद और गुजरात के मैच के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भारतीय दिग्गज और हैदराबाद के लिए खेल चुके युवराज सिंह ने कहा कि एक गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकता। युवराज ने ट्विटर पर लिखा, क्रिकेट का क्या शानदार मैच हुआ, उमरान मलिक का स्पेल टॉप रहा, लेकिन एक गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकता। राशिद खान आप कमाल हैं और राहुल तेवतिया के साथ आपकी साझेदारी बेमिसाल रही और ये नेहरा जी की स्माइल ऑफ साइड आईपीएल 2022 अपने बेस्ट पर। अर्शदीप सिंह को जल्द ही भारत की तरफ से खेलने का मौका मिल सकता है। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दास गुप्ता ने पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रिकेट ट्रैक पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह काफी शानदार गेंदबाज रहे हैं, वो थोड़ा रडार से बाहर चले गए थे, वो एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं जो आपके पास ज्यादा नहीं है। नटराजन ने बेहतरीन वापसी की है, लेकिन अर्शदीप काफी जबरदस्त रहे हैं, पिछले कुछ सीजन से उनका परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि अर्शदीप को आने वाले समय में T20 टीम में मौका मिल सकता है। मुंबई इंडियंस का तेज गेंदबाज टूर्नामेंट से हुआ बाहर, इन्हें किया गया शामिल। आईपीएल 2022 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद अरशद खान चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अरशद की रिप्लेसमेंट के रूप में कुमार कार्तिकेय सिंह को शामिल किया गया है, वह आगामी मैचों में मुंबई के स्क्वाड से जुड़ेंगे। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के दौरान मध्य प्रदेश के अरशद खान को 20 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और वह बाहर हो गए। डेथ ओवरों के लिए अपनी बल्लेबाजी योजना का खुलासा करते हुए राहुल तेवतिया ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुश्किल में फंसी गुजरात टाइटंस के लिए तेवतिया ने 21 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाते हुए जीत में अहम योगदान दिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेवतिया ने अंतिम ओवर को लेकर कहा, आखिरी ओवर के दौरान मेरे दिमाग में यह था कि अगर हम एक छक्का लगा सकते हैं तो हम जीत के करीब पहुंच जाएंगे। मैं छक्का लगाना चाह रहा था, मैं इस बारे में राशिद से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि यह पीछा करने योग्य था। उन्होंने कहा, मैं पहले भी ऐसी स्थितियों का हिस्सा रहा हूं, जब मुझे 2 साल पहले आईपीएल में यह भूमिका मिली तो मैंने उसी के अनुसार अभ्यास किया, विशेष रूप से जब टीम को 45 से 50 रनों की आवश्यकता हो तो डेथ ओवरों के लिए कि कैसे गेंदबाजों और गेंदों का चयन किया जाए। केकेआर के खिलाफ मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स के विस्फोटक बल्लेबाज का बड़ा बयान, पावर हिटर रोमन पोवेल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान नो बॉल विवाद को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पोवेल ने कहा, यह कुछ ऐसा है जिसे हमें बहुत तेजी से भुलाना होगा, हमें हमेशा आगे की ओर देखना होगा क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मैच सामने हैं। अगले दौर के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमें अब अपने खेल पर ध्यान देना होगा। उन्होंने आगे कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं एक ओवर में 6 छक्के मारने से लेकर काफी आश्वस्त था। पहले 2 छक्के लगाने के बाद मेरे मन में चल रहा था कि अब क्या होगा, उसी वक्त मैंने 3रा छक्का लगा दिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि यह नो बॉल होगी, लेकिन अंपायर का फैसला अंतिम होता है और हम क्रिकेटर्स के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। सुरेश रैना से प्रेरित हुए थे तिलक वर्मा और उन्हीं की तरह बनना चाहते थे, कोच का बयान। मुंबई इंडियंस के नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को लेकर उनके बचपन के कोच सलाम बयाश ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि किस तरह 2014 में सुरेश रैना को देखने के बाद तिलक वर्मा उनसे काफी प्रभावित हुए थे और उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। उन्होंने कहा, 2014 में तिलक वर्मा को एक आईपीएल की मैच के दौरान बॉल बॉय बनाने का मौका मिला। मैच के दौरान वो लगातार सुरेश रैना की बल्लेबाजी को देख रहे थे। वापस आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो सुरेश रैना से काफी प्रेरित हुए हैं और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब मैंने तिलक के माता पिता से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उस रात तिलक वर्मा सो नहीं पाए थे और लगातार अपने बेसिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। पहली बार 5 विकेट झटकने के बाद क्या है उमरान मलिक का सपना। युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने बुधवार की रात मैच के बाद कहा कि योजना तेज गेंदबाजी करने और लेंथ बरकरार करने के साथ विकेट हासिल करने की थी। जैसे मैंने हार्दिक भाई को एक बाउंसर से आउट किया और रिद्धिमान शाह को यॉर्कर से बोल्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने गेंदबाजी में विविधता लाने की कोशिश की और ध्यान विकेटों पर लगाए रखा क्योंकि यह छोटा मैदान है। यह पूछने पर कि यह 155 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सही लाइन एवं
लेंथ में गेंदबाजी करके विकेट चटकाना चाहता हूं, और जहां तक 155 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने की बात है तो अल्लाह चाहेगा तो मैं एक दिन ऐसा करूंगा। जो रूट के बाद अब बेन स्टोक बने इंग्लैंड के नए टेस्ट कैप्टन। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का नया कप्तान घोषित कर दिया है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभालने वाले वो 81वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले इस जिम्मेदारी को जो रूट निभा रहे थे, लेकिन पहले एशेज सीरीज और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली करारी हार के बाद जो रूट ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। बेन स्टोक्स के क्रिकेट करियर की बात करें तो अभी तक उन्होंने काफी ज्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने कई मौकों पर शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई है। रवि शास्त्री की भविष्यवाणी, जल्द होगी इन दो युवा खिलाड़ियों की टीम इंडिया में एंट्री। भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने आईपीएल में खेलने वाले इन दो खिलाड़ियों को लेकर भविष्यवाणी की है। पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वह डेथ ओवरों में मजबूती से ओवर निकाल रहे हैं, इससे पता चलता है कि वह जल्द ही टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के कोच ब्रायन लारा का मानना है कि यह तेज गेंदबाज यानी कि उमरान मलिक भविष्य में टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। उमरान मलिक ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं और टीम को विकेट भी निकाल कर दे रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है आज का मुकाबला कौन जीत कर ले जाएगा, पंजाब या फिर लखनऊ? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबरों रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहें छक्के क्रिकेट। धन्यवाद।